खबर बिजनौर से। अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार बिजनौर पुलिस ने गांव में छापामार कार्रवाई कर एक घर में अवैध रूप से तैयार की जा रही अवैध कच्ची शराब बरामद की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हजारों लीटर शराब बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेजने की कवायद में जुटी। बिजनौर में अवैध शराब की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में आज नगीना देहात पुलिस ने गांव ढकिया में राजेंद्र के घर पर चल रही शराब की भट्टी और हजारों लीटर शराब बरामद की। राजेंद्र कई सालों से अवैध शराब का काला कारोबार कर रहा था, जिससे क्षेत्र के युवा नशे के आदि हो रहे थे। इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने हजारों लीटर शराब लाने भट्टी को नष्ट करते हुए आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अवैध शराब के निर्माण निष्कर्षण के विरुद्ध पुलिस द्वारा कल सघन अभियान चलाया गया। इसमें नगीना देहात के ढकिया गांव में पुलिस ने छापा मारा, एक भट्टी पकड़ी गई। इसमें हजारों लीटर लहन और शराब पकड़ी गई है। राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त फरार हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे जनपद में अभ्यतगढ़, रेहड़ और बढ़ापुर क्षेत्र में भी इसका अभियान चलाया जा रहा है।